वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, ये बात तो छुपी नहीं थी कि इमरान हाशमी को साइन किया गया था रेस 3 में अपोजिट सलमान खान। इसकी पहली खबर हमारे चैनल ने आपको बताई थी कि इमरान हाशमी और सलमान खान एक साथ दिखाई देने वाले हैं फिल्म रेस 3 में। तो फ्रेंड, ऐसी क्या चीज हो गई, ऐसी क्या बात हो गई जो इमरान हाशमी ने ये फिल्म साइन करने को मना कर दिया और ये रोल जा पहुंचा नन अदर देन बॉबी देओल की झोली में, जिन्होंने भी काफी मेहनत की है रोल को निभाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बात बता दूं, इसका सबसे बड़ा कारण है डेजी शाह। बात करें डेजी शाह की, तो फ्रेंड्स, डेजी शाह को ये फिल्म ना ही सलमान खान की वजह से मिली है, ना ही कोई यू नो प्रेफरेंस या कोई फेवर की वजह से मिली है। 2013 में जब रेस 2 रिलीज हुई थी, तभी इनके प्रोड्यूसर्स तौरानी ब्रदर्स ने डेजी शाह को प्रॉमिस किया था कि जब भी रेस का अगला पार्ट बनेगा तब डेजी शाह उस फिल्म में एक हीरोइन का लीड या तो फिर सेकेंड लीड का किरदार निभाएगी। तो 4 साल पहले ही डेजी शाह कंफर्म हो चुकी थी इस फिल्म के लिए और अब बात आ रही थी डेजी शाह के ऑपोजिट किसको लेना है। तो फ्रेंड्स, जब इमरान हाशमी के पास गए इनके प्रोड्यूसर्स और नए डायरेक्टर रेमो डिसूजा स्टोरी लेके, तो इमरान हाशमी को काम नहीं करना था डेजी शाह के साथ। अब क्या रीजंस थे वो तो इमरान हाशमी खुद जाने, इसीलिए ये छोटे से कारण के वजह से इमरान हाशमी ने ये फिल्म साइन करने से मना कर दिया। फ्रेंड्स, अब क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही था या गलत था? वेल, इमरान हाशमी के रेस 3 में ना होने से इमरान हाशमी के फैंस तो बहुत निराश है। हम सब चाहते थे कि इमरान हाशमी इस फिल्म में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेजी शाह के कारण के वजह से इमरान हाशमी ने फिल्म नहीं साइन की। तो फ्रेंड्स, अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, ऐसे और छोटी छोटी जानकारियाँ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज मी अमीर अंसारी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। टिल देन, एज ऑलवेज से, stay cool, man.